दोस्तों चाकू आज ठीक है। हेलो दोस्तों, आज जा रही हूँ करेला का कलौंजी बनाने। ये है करेला, करेला पर का मैं छिलका निकाल दी हूँ। अब इसको मैं कलौंजी बनाऊंगी। पहले कट कर लेती हूँ, फिर इसको उबालने के लिए रखूंगी। हल्का सा उबालूंगी इसको। कट कर लेती हूँ। और ये सब्जी किसी को ऐसे पसंद नहीं है, तो कलौंजी पसंद है सबको, इसके लिए मैं कलौंजी बना रही हूँ। और यहाँ पे पानी रख लिए और इसमें मम्मी डालेगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि वो पानी इसलिए रखा है ये जो करेला है उसे उबालेंगे, कड़वाहट निकल जाता है, जितना भी कड़वा है वो निकल जाता है। इसमें नमक डाल दूंगी, ज्यादा नहीं, इसको उबालेंगे, हल्का से उबालेंगे कि अच्छे से कड़वाहट इसमें से निकल जाए। अब इसे रखती हूँ जब तक मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये उबल गया है, अब इसको निकाल लेती हूँ करेला को। इधर हलवा भी बना रही हूँ, सूजी का हलवा है। ये ठंडा हो गया है करेला, अब इसमें के सारे बीज में आराम आराम से निकाल लूंगी। इस तरीके से निकालेंगे सब करेले में का, हम इस तरीके से बीज निकाल लेंगे। ये सारे करेले में के निकाल ली हूँ बीज, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। लहसुन और प्याज, हरी मिर्च, अदरक, इस सारे को मैं रख के पेस्ट बना लूंगी। ये बीज की भी डाल के पेस्ट बनाऊंगी। इसमें गरम हो गया है, इसमें तेल डाल देती हूँ। तेल गरम हो गया है, इसमें पांच फोरन डाल देती हूँ। चटक जाएगा तो उसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज डाल देती हूँ, हमारा प्याज भून के हो गया है। अब इसमें ये डाल दी पेस्ट किया हुआ, ये धनिया ली हूँ, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, तो इसमें मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। मसाला भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसमें, ऐसे पानी नहीं डालेंगे हम। तो इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, हम इस मसाला में भी हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और करेला में भी नमक डाल के मैंने उबाल लिया था करेला को। इस तरीके से हम अच्छे से मसाला फ्राई करेंगे। यहाँ पे आटा भी गूंद रही है, साथ ही साथ वहाँ पे मसाला फ्राई हो रहा है और मम्मी यहाँ पे आटा गूंद रही हैं। लेट हो गया है, मम्मी को जाना है, फटाफट कर रही हूँ। मसाला डाल के इस मसाले में मिक्स कर देती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं धनिया का पत्ता रख लूंगी, बहुत सारा धनिया पत्ता डाल के इसमें मिक्स कर देती हूँ। और मसाला भी अचार के अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है मसाला, टेस्टी दिख रहा है एकदम। यहाँ मम्मी घी लगा दिए कंटिन्यू दे देंगे टिफिन के लिए, इसके लिए बता नहीं पाया, अभी बताएंगे। मम्मी कंची दीदी के टिफिन में छोटा सा, उसका हो गया टिफिन रेडी। सुबह मेरा
बहुत घाई घाई रहता है। तो ये मैं अभी सब करेले में ऐसे मसाला भर दूंगी। पहले तो मैं चम्मच से भर रही थी पर उससे हो नहीं रहा था, इसलिए मैं हाथ से भरने लगी। अभी आप बोले क्या मम्मी मैं भरती हूँ, तो मैं तो चम्मच से भर लेती हूँ पीछे के डंडी से, इससे आराम से भर जाता है, हो जाता है। अब मन्नू बोल रही है अभी मुझे भरना है, ठीक है भरो। यहाँ पे ये बेसन घोल लिया था कि इसका मसाला ना निकले, तो मम्मी ने स्वाद अनुसार नमक डाली थी और ये जो मसाला है थोड़ा सा उसमें डाल के मम्मी ने मिक्स कर लिया था। अब करेगी मम्मी फ्राई। बेसन में मम्मी इस करेले को डिप करके फ्राई कर लेगी, ज़्यादा नहीं करना है, ऊपर का ही थोड़ा सा डिप करना है कि निकले ना मसाला। अब मम्मी डाल देगी तेल में, फ्राई करेगी मम्मी सबको। सारे का सारा करेला ऐसे ही होगा। ये मैं लहसुन और मिर्ची को मैं पकाई हूँ तवे पे, अब इसको मैं कूट के चटनी बनाऊंगी। ओखरी में डाल दिया मम्मी ने, अब इसको मम्मी इसमें मम्मी थोड़ा सा नमक डालेगी, एक चम्मच नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। अब मम्मी कूटेगी इसे, बहुत टेस्टी लगता है चटनी, कान झंझना आ जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। रोटी बना ली हूँ, ये लौकी का ग्रेवी वाला सब्जी है, ये मिर्ची और लहसुन का चटनी और करेला का कलौंजी। अभी हो गया नाश्ता रेडी। तो पापा जी अभी खाना खा रहे हैं। पापा जी खाना खा के नाश्ता कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, तो मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। और हाँ, ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो बाय बाय यूट्यूब फैमिली, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।